आज हम बात करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में। सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? सिग्नल फ्लो ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, एलजेब्रिक इक्वेशंस का। जो एलजेब्रिक इक्वेशन है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के द्वारा। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड जो पढ़ा था हमने इससे पहले, वो एक अच्छा मेथड था जो ट्रांसफर फंक्शन बताता था किसी कंट्रोल सिस्टम का। परंतु जब यह कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, तब ये जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड था वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था और इस कारण से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। इसलिए एक अल्टरनेटिव मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे किया, उसका नाम है SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये डेवलप किया था HJ मैसन ने, जो कि रिलेट करता है इनपुट और आउटपुट जो वेरिएबल है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, उनको रिलेट करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलजेब्रिक इक्वेशंस का। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ विच रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ इक्वेशंस, अब जो एक सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैं अभी बताया आपको। अब वो क्या करता है कि कंसिस्ट उसके अंदर करता है नोड और ब्रांच उसके अंदर होती है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, और हर एक ब्रांच के ऊपर एक एरो होता है, जो कि वो एरो यह दर्शाता है कि वो सिग्नल है वो किस दिशा के अंदर फ्लो कर रहा है। इट रिप्रेजेंट ए नेटवर्क इन विच नोड आर यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम वेरिएबल विच इज कनेक्टेड बाय डायरेक्ट ब्रांच। ठीक है, जो नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं ब्रांच के थ्रू। ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है ये सिर्फ लीनियर सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यह एक सिग्नल फ्लो ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है, इसके अंदर यहाँ पे जो एक्स है ये क्या एक नोड है, ये क्या है ब्रांच है, इस ब्रांच का गेन कितना है A12, यह जाके किससे कनेक्ट हो रहा है, जो वेरिएबल है X2 से कनेक्ट हो रहा है जो कि एक नोड है। तो यहाँ दो नोड के बीच में जो कि यह एक पाथ दे रखा है, ये एक ब्रांच से कनेक्टेड है, इस ब्रांच का जो गेन है, इस पाथ का जो गेन है वो क्या है A12 है। यहाँ पे इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर X1, X2, X3, X4, X5 ये क्या है वेरिएबल से दर्शा रखे है। वहीं पे जो जो ब्रांच का गेन है वो है A12, A23, A34 ये क्या है ब्रांच का गेन है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है एक फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ पे यह फॉरवर्ड पाथ किसी भी एक किसी पर्टिकुलर नोड को दो बार उसको रिपीट नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से इसको भी देखें तो यह भी एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ शो कर रहा है, परंतु जब हम इसको देखते हैं कि जब नोड नंबर X4 से एक ब्रांच निकल रही है और वापस इसी नोड के ऊपर आ रही है तो इसे क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, नोड है, ब्रांच है और लूप है। ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड पाथ के बारे में हमने और देखा, इसके बारे में और थोड़ा सा और समझते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं। इनपुट नोड, यहाँ पे देखो X1 क्या है, ये इनपुट नोड है और
ये क्या है, X5 क्या है, आउटपुट नोड है। इनपुट नोड वो होता है जहाँ से सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज है वो निकलती है, और आउटपुट नोड क्या है, जहाँ पे सारी ब्रांचें आके मिलती है। अगर यह कंडीशन मीट नहीं करती है तो एक एडिशनल है वो ब्रांच बना दी जाती है, जिसका गेन है वो 1 रखा जाता है, यूनिटी गेन रखा जाता है, और उसे कनेक्ट करके फिर एक जो नोड बनाया जाता है उसे आउटपुट नोड कहते हैं। इसको और आगे डिटेल में थोड़ा समझेंगे। पाथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि ये एक डायरेक्शन होता है जिसमें ब्रांचेज है वो कनेक्टेड रहती है, और एरो है वो इसका डायरेक्शन दिखाता है। कोई भी एक नोड है वो वापस से रिपीट नहीं होता है। यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ मैंने आपको बताया था अभी, जो ए पाथ फ्रॉम ए इनपुट नोड टू आउटपुट नोड, एक पाथ है जो कि इनपुट नोड से आउटपुट नोड की ओर जाता है। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर दो फॉरवर्ड पाथ थे, एक तो जो इनपुट नोड है वो क्या है, X1 है, आउटपुट क्या है, X5 है। तो यहाँ पे एक पाथ तो ये जा रहा है और दूसरा पाथ कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है। तो यहाँ पे कितने हैं, दो तो फॉरवर्ड पाथ है। अब लूप देखते हैं। लूप जब कोई पाथ है वो किसी नोड से ओरिजिनेट होता है और उसी नोड के ऊपर टर्मिनेट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। अब लूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक टचिंग लूप और एक नॉन टचिंग लूप। तो वह लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं वो तो क्या हो जाएंगे, नॉन टचिंग लूप, और वो लूप जो आपस में टच करते हैं, जैसे कि ये दो जो लूप है इसको आपस बनाते हैं, ये लूप, तो यहाँ से जो एक पहला लूप ये हो गया और दूसरा इसके अंदर ये, तो ये जो ब्रांच है वो तो दोनों में कॉमन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टचिंग लूप। पाथ गेन किसी पाथ के ऊपर उसके गेन है वो जो आपका फॉरवर्ड पाथ था, यहाँ X1 से स्टार्ट हुआ था, X2, X3 या और भी आगे जा रहा है, तो इन सभी पाथ का जो गेन होता है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे या इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो जितने भी ब्रांचेस का गेन है उन सब का प्रोडक्ट क्या होता है, उसका पाथ गेन। अब यहाँ पे हम एक कंसीडर करते हैं एग्जांपल को, हम सिग्नल फ्लो ग्राफ किसी इक्वेशंस के थ्रू कैसे बना सकते हैं, जहाँ पे Y1 है वो क्या है, इनपुट है, और Y6 क्या है, आउटपुट है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे एक इक्वेशन के थ्रू किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन को वापस से साइड में लिख दिया है ताकि बनाने में आसानी रहे। अब यहाँ पे टोटल मिला के जो कितने हैं नोड है वो कितने हैं, Y1 से लेके Y6 तक है, तो यहाँ पे कितने हुए, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, ये Y6। इसको मैं क्या करता हूँ, ये Y1 हो गया, Y2 हो गया, Y3 हो गया, Y4 हो गया, Y5, ये Y6 हो जाए। तो हम पहली इक्वेशन को देखते हैं कि Y2 के ऊपर क्या आ रहा है, Y1 से आ रहा है एक ब्रांच जो जिसका गेन क्या है, T21 है, और Y3 से क्या आ रहा है, जिसका गेन कितना है, सॉरी ये जो बैकवर्ड पाथ आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ ताकि बताने में थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
तो यहाँ पे ये वाई वन है, ये वाई टू है, ये वाई थ्री है, ये वाई फोर है, ये वाई फाइव है, ये वाई सिक्स है। तो वाई वन से वाई टू जा रहा है, वो क्या जा रहा है, टी, पॉज कर दूँ मैं इसको। इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में सिग्नल फ्लो ग्राफ हमने जो बना रखा है उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशंस का सेट दे रखा है। उस इक्वेशन के सेट के थ्रू हम एक सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पे वाई वन जो वेरिएबल है वो इनपुट है और वाई टू वेरिएबल है वो आउटपुट है। तो सबसे पहले स्टेप वन के अंदर देखते हैं कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है वो कितने हैं। यहाँ पे वाई वन से लेके वाई सिक्स तक छः वेरिएबल है। इन छः वेरिएबल को स्टेप नंबर वन के अंदर मैं छः वेरिएबल है वो वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर और वाई फाइव, वाई सिक्स इस प्रकार से लिख देता हूँ। उसके पश्चात स्टेप टू के अंदर मैं इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अंदर क्या है कि जो वाई टू है, वाई टू का जो निर्माण हो रहा है वेरिएबल का, उसके अंदर क्या है, वाई वन का मल्टीपल है टी टू वन। तो वाई वन से टी टू वन जो है गेन है वो मल्टीप्लाई करने पर वाई टू है वो प्राप्त हो रहा है। साथ ही वाई थ्री से टी टू थ्री, यहाँ देखो ये वाई थ्री से टू की तरफ है, ये लूप बना रहा है। तो इस प्रकार से जो y2 है वो क्या होगा, y2 इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई बाय t21 और प्लस y3 मल्टीप्लाई बाय t23। इस प्रकार से y2 है वो बन जाएगा। तो पहली इक्वेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। अब इक्वेशन नंबर टू को देखते हैं y3 के लिए। यहाँ पे जो ये पहली इक्वेशन थी वो इस प्रकार से बन चुकी है अपनी। अब y3 के लिए देखते हैं, y3 के लिए y2 से t32 द्वारा मल्टीप्लाई करने पर y3 प्राप्त होगा। तो y2 से ये एक पाथ है, ये ब्रांच है जिसका गेन क्या है t32, यहाँ से y3 वापस से। देखो यहाँ पे तीन पाथ दे रखे हैं। पहला पाथ अपन ने कवर किया वो y2 से किया, दूसरा पाथ जो कवर करेंगे वो y3 से करेंगे। अब देखो y3 से t33 है, तो ये क्या है, एक सेल्फ लूप बना रहा है, एक सेल्फ लूप बना रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, t33। ओके, और तीसरा क्या है कंटेंट, तीसरा है y3 के अंदर y1 से t31 जो पाथ गेन है वो भी इसमें डाला जाएगा। इस प्रकार से जो y3 है, y3 है, ये जो पहली इक्वेशन थी y3 है वो तीन टर्म से मिलके बना है। y2 से एक फॉरवर्ड पाथ है, फिर y3 से एक सेल्फ लूप है, और फिर y1 से एक फॉरवर्ड पाथ है t31 का। इस प्रकार से ये स्टेप नंबर थ्री हो जाएगी। अब स्टेप नंबर फोर के अंदर देखते हैं, यहाँ तक अपन ने इक्वेशन नंबर y2 और y3 है वो दोनों ही कवर कर चुके हैं, ये दोनों इक्वेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो हुआ था ये पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब रिमेनिंग है y4 वाला। y4 को अपन देखते हैं, y4 जो है वो दो टर्म से मिलके बना है, एक है y3 से मल्टीप्लाई बाय t43। तो देखो यहाँ पे y4 है वो क्या है, y3 से मल्टीप्लाई बाय t43, ये इसका ब्रांच का गेन है। और दूसरा क्या है, y2 से है वो t42 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब y2 से एक ब्रांच निकलेगी जो कि y4 पे जाएगा जिसका गेन क्या होगा,
T42। तो ये इस प्रकार से अपने जो तीनों इक्वेशन मिलके इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी तक हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। इस 5 नंबर स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तक जो तीन इक्वेशन कवर हो चुकी है, हम चौथी इक्वेशन को देखते हैं। चौथी इक्वेशन क्या है, वाई फाइव है वो एक ही कंटेंट से मिलकर बना है, वो क्या है, वाई फोर से एक ब्रांच आएगी जिसका जो पाथ गेन होगा वो क्या होगा, T54। तो हम इसको यहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि वाई फाइव पे एक ही पाथ आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वाई फोर से, जिसका गेन क्या है, T54। ओके, और लास्ट जो अपना है वो इक्वेशन अभी तक अपना है जो क्या है, चार इक्वेशन कवर कर चुके हैं, लास्ट है वो Y6 है जो कि दो कंटेंट से मिलके बना है। कोई बात नहीं, हम यहाँ देखते हैं कि जो पहला क्या है, Y5 से एक पाथ आएगा जिसका गेन क्या होगा, T65, और Y4 से एक पाथ आएगा जिसका गेन क्या है, T64। तो दो पाथ से मिलके Y6 बना है। यहाँ पे एक क्या है, Y5 से एक पाथ आ रहा है उसका गेन क्या है, T65, और एक Y4 से एक पाथ आ रहा है जिसका गेन क्या है, T64। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर Y6 जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये 6 स्टेप के द्वारा हम एक सिग्नल फ्लो ग्राफ का निर्माण है वो इन इक्वेशंस के लिए कर सकते हैं। तो ये अपना सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनता है वो आपको इस के द्वारा बताया। अभी कुछ नहीं है, एक पहले हम क्या करते थे कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम किसी सिस्टम को है वो रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ब्लॉक जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है या उसके अंदर जो ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला जा सकता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने के द्वारा, वो क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब ये ब्लॉक डायग्राम है वो थोड़ा और बड़ा हो, है ना। और इसके लिए क्या है कि जो मैसन है उन्होंने एक सिग्नल फ्लो ग्राफ इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप किया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशंस को या किसी भी ब्लॉक डायग्राम को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू हम उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है वो मैसन गेन फार्मूला यूज़ करते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे है वो अभी ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है इसके बारे में भी बताया, जैसे ये इक्वेशन दे रखी थी उसके अंदर वापस से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया कि जितने वेरिएबल है वो सारे लिख दिए, फिर बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर एक एक इक्वेशन को ले लेके और उसके पाथ गेन को मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन नंबर एक एक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते रहे। तो हम इन सब इक्वेशंस को जैसे जैसे इसी के अंदर ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या है कि अंतिम में जाके एक पूरा ग्राफ है वो प्राप्त होगा जो इस इक्वेशन से मिलके बना होगा। इस पूरे ग्राफ को क्या कहेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इसे मैं यही अब समझना था। आगे हम क्या करेंगे, हम मैसन गेन फार्मूला है जिसके थ्रू इस सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला जा सकता है वह पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से एक ट्रांसफ़र फंक्शन है वो सिग्नल फ्लो ग्राफ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इस पूरे जो लेक्चर के अंदर हमने क्या समझा, पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्यों बनाया गया, किसने बनाया है, मैसन ने, एसजी मैसन ने बनाया गया, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है जब सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए हम एक क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ का, ठीक है। तो ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ये सिर्फ लीनियर सिस्टम के ऊपर ही लागू हो सकता है, और इस प्रकार से ये अंतिम जो रूप होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ का वो इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसके अंदर हमने इनपुट नोड्स के बारे में देखा, आउटपुट नोड क्या होते हैं, ठीक है, पाथ क्या है, और फॉरवर्ड पाथ क्या है, लूप क्या है, नॉन टचिंग लूप,
पाथ गेन, इन सब के बारे में अभी देखा और एक एग्जांपल इसके अंदर कवर किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको एक खुद प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट ही है कि आप है ना इस जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर जो सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के थ्रू या फिर आपका इक्वेशन के थ्रू, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो धन्यवाद।